सिंह राशि वालों, जीवन में अच्छे कामों का नतीजा अच्छा मिलता है, वो जो है प्रूफ आज आप लोगों के लिए है। सिंह राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। इनके जीवन में बहुत बड़ा भयंकर लाभ होने वाला है। अभी तक मैंने देखा ज्योतिष शास्त्र में, कल देख रहा था और मैंने देखा कि पिछले 3 सालों में सिंह राशि वालों को कोई भी बड़ा लाभ हुआ ही नहीं। इन्होंने जितना मेहनत कर डाला, जितना संघर्ष कर डाला, उसका भी इन्हें परिणाम अच्छा नहीं मिला। इन्होंने अपने काम के प्रति बहुत ही लगन से काम किया, अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ही लगन से पढ़ाई किया, लेकिन इनके करियर में इन्हें सफलता नहीं मिला। लेकिन मित्रों, आने वाला समय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देने वाला है, क्योंकि आपके राशि पर स्वयं जो है गणपति महाराज की कृपा होने वाली है, गणेश भगवान की कृपा होने वाली है, जो कि सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते हैं। बहुत दिनों के बाद गणेश भगवान की कृपा सिंह राशि पर होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान आपके कर्मों का फल आपको एक ना एक दिन अवश्य देता है। आप लोगों को लेट हो सकता है, आपके कर्मों का फल लेट में मिल सकता है, लेकिन एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। मित्रों, जब मैंने ज्योतिष शास्त्र पर रिसर्च किया और 12 राशियों के बारे में देखा और मैं देख रहा था, तभी हमारी जो नजर है अचानक सिंह राशि वाले व्यक्तियों पर पड़ी, और सिंह राशि वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनका जीवन, उनका संघर्ष देखकर हमारा दिमाग चकरा गया। और ज्योतिष शास्त्र ने बताया सिंह राशि वालों को इतनी परेशानियां क्यों झेलनी पड़ती हैं, इतने संघर्ष क्यों झेलने पड़ते हैं, आखिर इनके जीवन में इतना मेहनत क्यों लिखा है, मेहनत करने के बावजूद असफल क्यों रह जा रहे हैं। सिंह राशि वाले बहुत ही लगन से मेहनत करते हैं, अपने कामों के प्रति बहुत ही एक्टिव रहते हैं, फिर भी इनको सफलता नहीं मिलती, और सफलता मिलती है तो बहुत तड़फा कर मिलती है। क्यों मिलती है इनको, इतने संकट इनके जीवन में। और मित्रों, आपके राशि पर स्वयं चमत्कार होने वाला है। आने वाले 7 दिन आपको महा खुशखबरी देंगे, छोटी मिट्टी खुशखबरी आपको नहीं मिलने वाली है। आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि मित्रों आपके राशि के, आपके ग्रह नक्षत्रों के जो मालिक हैं, वो है सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान भी आपके राशि पर प्रसन्न हो चुके हैं। आपके मेहनत को देखकर, आपके संघर्षों को देखकर, आपके सारे अच्छे कामों को देखकर सिंह राशि वालों को बहुत बड़ा चमत्कार मिलने वाला है। इनके राशि पर स्वयं महापरिवर्तन होने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जीवन पर अगर कोई बड़ा बदलाव होता है, वो ग्रह नक्षत्रों के चलते होता है। आपके पिछले 3 सालों में मैंने रिसर्च किया, उतना बड़ा लाभ आपको नहीं हो पाया, जिस हिसाब से, जो सोचकर आपने मेहनत किया था और जिस प्लान के साथ आपने अपने बिजनेस के पीछे, करियर के पीछे, पढ़ाई के पीछे टाइम दिया था, उसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला। लेकिन मित्रों, जब मैंने यह भी रिसर्च किया कि पिछले 3 सालों में आपने जितना मेहनत किया, जितना संघर्ष किया, उसका फल आप लोगों को लेट में क्यों मिल रहा है, यह भी हम आपको बताएंगे। और फल आप लोगों को तो मिलेगा है, क्योंकि आपके घर के जो मालिक हैं, आपके जो रक्षक हैं, वो अब जाकर सूर्य भगवान बन चुके हैं। सूर्य भगवान जो है सिंह राशि के अब रक्षक बन चुके हैं। अब जब सूर्य भगवान जिसके स्वामी बनेंगे, जिस घर के मालिक बनेंगे, वहां पर परेशानी नहीं आ सकती। इसीलिए मित्रों, आने वाले 7 दिन आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसमें मित्रों, आपके जीवन से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपके नौकरी से रिलेटेड परेशानियां खत्म होने वाली हैं। जो लोग कुछ नया करने का प्लान कर रहे थे, कुछ नया सोच रहे थे, उन लोगों के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। लेकिन मित्रों, जो लोग पुराने कामों में अपना टाइम व्यतीत कर रहे थे, पुराने कामों के प्रति बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे थे, उन राशि वाले व्यक्तियों को बहुत लाभ होगा। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को खासकर, क्योंकि इनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव ही नहीं हुआ, और ज्योतिष शास्त्र में यह भी देखा कि आपके जीवन में
पिछले 3 सालों में थोड़ा बहुत ग्रह नक्षत्रों ने एर फेर किया था, अचानक हो जाता था, जिसके चलते आपके घर पर पैसा तो बराबर आता रहा होगा, लेकिन पैसा आपके घर पर टिका नहीं होगा। पैसा आपके घर पर आया और फिर चला गया। ये दोस्तों होता है ग्रह नक्षत्रों का खेल। लेकिन आने वाले 7 दिन आपके ग्रह नक्षत्र आपके राशि पर बहुत बड़ा परिवर्तन देंगे। आप लोगों को बहुत बड़े लाभ मिलने वाले हैं, क्योंकि मित्रों सिंह राशि वालों को कोई छोटा बड़ा काम नहीं बनता है। इनका जब भी बनता है तो बहुत बड़ा बनता है, और छोटे मोटे काम तो तभी बनते हैं जब ग्रह नक्षत्र इनके बस में नहीं होते हैं सिंह राशि वालों के। लेकिन मित्रों अब जाकर आपके राशि पर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और मित्रों आपके जीवन में जो आपने संघर्ष किया, आपने जो मेहनत किया, उसका फल जो है अब आप लोगों को एक साथ मिलने वाला है। और एक काम आपका बनेगा, उसके साथ साथ दूसरा काम भी अगर आप लोग प्लानिंग के साथ करेंगे उसमें भी आप लोगों को लाभ देखने को मिलेगा। करियर में आप लोगों का जो पद है वो ऊंचे लेवल तक जा सकता है। कहीं पर आप लोगों का मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका ऊपर लेवल तक जाएगा, क्योंकि सूर्य भगवान आपके रक्षक बन चुके हैं, आपके राशि के स्वामी बन चुके हैं, जिसके चलते आप लोगों को बहुत बड़े बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और हाँ मित्रों, आप लोग इस वक्त जो पिछले कार्य कर रहे थे, जिनके पीछे आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, अत्यधिक मेहनत कर डाला था, आप अपने पुराने कामों के प्रति बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे थे, आप अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे, बिजनेस नौकरी के पीछे बहुत ही दिनों से लगे हुए थे और आप लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो आने वाले समय में ये जो 7 दिन है आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। अचानक आपका काम बनता हुआ नजर आएगा। उन कामों में से आपके जो सबसे अच्छे वाले काम है वो तो बनेंगे ही, बल्कि आगे के भी आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। ऐसे में मित्रों आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अगर आप कहीं पर नया बिजनेस, कहीं पर नया कुछ करने का प्लान कर रहे थे, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ने खुले शब्दों में आपके राशि के बारे में बताया है। अत्यधिक लोग सिंह राशि वाले जो अचानक काम करने का प्लान करते हैं और अचानक ही अपने बिजनेस करियर में पैसा लगा देते हैं, जिस कारण उनका पैसा डूब भी जाता है, पैसा चला जाता है और वो फिर पछताते हैं, फिर वो रोते हैं। लेकिन मित्रों ज्योतिष शास्त्र ने बताया है अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को प्लानिंग करना अत्यधिक आवश्यक है। आप लोग अपने बड़ों एक्सपर्ट जो हैं, आप जिस लाइन में हैं वहां पर आप लोग बड़ों से सलाह अवश्य लें, आप लोग रिसर्च अवश्य करें जिस लाइन में आप लोग जाना चाहते हैं, बिजनेस या फिर करियर हो, या फिर आप नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, या फिर पढ़ाई के पीछे आप लोग जाना चाहते हैं, आप लोगों को अपने करियर को लेकर रिसर्च अवश्य करना है, क्योंकि रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि आप लोगों को आगे चलकर लाभ क्या होगा, आप जिस लाइन में जा रहे हैं वहां पर आप लोगों को लाभ क्या मिलेगा। ये बहुत बड़ा आप लोगों को फायदा दे सकता है, क्योंकि अगर आप लोग अचानक पैसा किसी जगह पर लगाते हैं और बिना सोचे समझे बिजनेस में, करियर में, पढ़ाई में पैसा लगा देते हैं, फिर आपका पैसा डूब भी जाता है। सिंह राशि वालों बहुत ही सतर्क रहना है आपको अपने जीवन में, क्योंकि सिंह आपकी राशि है। ये जो सिंह राशि होती है ना, ये शेर की तरह होती है, इसीलिए आप लोगों को ज्यादा परेशानियां झेलना पड़ता है, क्योंकि भगवान भी समझे कि सिंह शेर की तरह है, तो परेशानी सिंह राशि ही झेल सकती है सबसे ज्यादा। और ये तय है कि आप लोगों को परेशानियां ज्यादा मिलती हैं, संकट भी आप लोगों को ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि आपकी राशि ही सिंह राशि है, शेर की तरह आप होते हैं। और यही कारण है कि आप लोग जहां पर काम करते हैं, जहां पर आप लोग बिजनेस नौकरी व्यापार करते हैं, वहां पर आप लोग किसी के नीचे रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं, किसी के दबाव में रहकर काम करना आप लोगों को नहीं पसंद होता है सिंह राशि वालों को। और यही कारण है सिंह राशि जहां पर काम करती है वहां जो है अपने दम पर काम करती है, अपने पैरों पर खड़ा होकर काम करती है,
ये होती है सिंह राशि की खूबी। और सिंह राशि का जो चिन्ह है वो तो शेर है, लेकिन आप लोग जो है मेहनत के बावजूद आपको सफलता नहीं मिलती, मेहनत बार बार करते हैं तब जाकर सफलता मिलती है, उसका क्या कारण है? ज्योतिष शास्त्र ने बताया आपका जो राशि का तत्व है वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व होने के कारण आपको अपने जीवन में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अग्नि तत्व है आपके राशि का, सिंह राशि का, और अग्नि की तरह जब आप तपेंगे अपने करियर में, अपने बिजनेस के पीछे जब खूब मेहनत करेंगे, डबल मेहनत करेंगे, एक बार में आपको सफलता तो मिल ही नहीं सकती। क्योंकि मित्रों, जिस राशि का तत्व अग्नि हो उस राशि वाले व्यक्तियों को अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा, अग्नि की तरह तपना पड़ेगा आपको अपने लाइन में, बहुत मेहनत करना पड़ेगा सिंह राशि वालों को खासकर। लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, आपके जो रक्षक होते हैं ये सूर्य भगवान होते हैं, इसीलिए आप लोगों को टेंशन नहीं करना है। क्योंकि जिस घर के मालिक, जिस ग्रह के मालिक सूर्य भगवान हो, वहां पर सफलता अगर ना मिले तब कहना, सफलता आपको अवश्य मिलेगी मित्रों, ये तो तय है। क्योंकि सूर्य भगवान आपके रक्षक हैं, और सूर्य भगवान ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर में, हमारे परिवार में जितने लोग रह रहे हैं उनको सफलता ना मिले। और हाँ, सफलता जब भी मिलेगी तो बहुत बड़ी मिलेगी, क्योंकि सूर्य भगवान आपके रक्षक हैं। अग्नि तो आपका तत्व है, मेहनत करना पड़ेगा, ये तो आपको मानना पड़ेगा, आपको बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को यह भी मानना है कि जिस राशि का स्वामी सूर्य भगवान हो, वो क्या अपने घर को बर्बाद होते हुए देख सकता है? नहीं देख सकता मित्रों। इसलिए आप लोगों को एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, और सफलता जब भी मिलेगी तो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आप अपने जो एरिया में है सबसे ऊंचे लेवल के अधिकारी बनकर आएंगे, और आपका मान सम्मान सबसे ज्यादा होगा आपको अपने एरिया में, क्योंकि सूर्य भगवान आपके रक्षक हैं। सूर्य भगवान जिस घर के रक्षक होंगे वहां पर लाभ तो अवश्य मिलना है, आप लोगों को अपने बिजनेस करियर नौकरी में लाभ तो मिलेगा, नौकरी लगकर ही छोड़ेगा, सूर्य भगवान आपके रक्षक हैं। इसीलिए मेहनत करते रहिएगा, और अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी, ये तय है, इस बात को आप मान लीजिए। क्योंकि सूर्य भगवान आपके रक्षक हैं और रक्षा अवश्य करेंगे, आपको नीचे गिरने नहीं देंगे। आप लोगों ने देखा होगा आपके ऊपर अगर कोई जलता है और आपको नुकसान पहुंचाने का बहुत ही प्लान कर लेता है, लेकिन सूर्य भगवान हमेशा आपको एक नया रास्ता दिखाते हैं और उस व्यक्ति का बाजा बज जाता है, आपको नीचा नहीं गिरा सकता, क्योंकि सूर्य भगवान आपके रक्षक हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ आपको अपने जीवन में पैसों से लेकर आप लोगों के संकटों को लेकर बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है, आपको अपने रिश्तों में बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है, ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि सिंह राशि है और तत्व अग्नि है। इन सभी की आप लोगों को जो है प्रतिज्ञा देना पड़ेगा, और आप लोगों को सफाई भी देना पड़ेगा अपने रिश्तों में, आप लोगों को इन परेशानियों को झेलना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, एक गलती आपको नहीं करना है हमेशा, जो कि सिंह राशि वाले व्यक्ति हमेशा कभी न कभी करते हैं। वो व्यक्ति जो सिंह राशि हैं, वो हमेशा अपने करियर को लेकर कभी कभी कुछ व्यक्ति, सब नहीं कुछ ही व्यक्ति होते हैं ऐसे, जो किसी के सपोर्ट के सहारे बैठे रहते हैं, अपने बिजनेस करियर को आगे बढ़ाने का प्लान ही नहीं बनाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारा दादा पावर वाला है, उनके बदौलत जो है हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, अपने पापा के बदौलत हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप लोगों को सपोर्ट कहीं पर भी काम नहीं करेगा, आप लोगों का जो बिजनेस करियर है वो आप अपने खुद के दम पर चलाएंगे तभी चलेगा। सपोर्ट और साथी का सपोर्ट चाहिए, तो ऐसा आप लोगों को लाभ नहीं मिलने वाला। सूर्य भगवान आपके स्वामी तो हैं, लेकिन अग्नि आपका तत्व है, इसलिए मेहनत आपको करना पड़ेगा तभी सफलता मिलेगा। आप किसी के सहारे और किसी के इंतजार में आपको नहीं बैठना है, आज से ही आप लोगों को प्लान बनाकर काम करना है, और जिस काम में आपको इंटरेस्ट है वही काम करिएगा, जबरदस्ती किसी के कहने पर कोई काम नहीं करिएगा, और जिस लाइन में आप लोग जाना चाहते हैं उस लाइन में रिसर्च अवश्य करिएगा। क्योंकि मित्रों, रिसर्च करना आप लोगों को यह लाभ देगा कि आपको कैसे बिजनेस करना है और इस बिजनेस में आप लोगों को लाभ कितना होगा,
आप जिस लाइन में जा रहे हैं, यहाँ पर आगे चलकर आप लोगों को क्या परेशानियां मिल सकती हैं, किन संकटों को झेलना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस भी आपका रिस्क देता है और आप लोगों को रिस्की चीज में अगर जाना है तो रिसर्च करके ही फंदना है। अगर आप लोग अपने से बड़े एक्सपर्टों से सलाह लेंगे और अपने बिजनेस में अगर आप लोग सलाह के जरिए कुछ काम करेंगे और अपने बड़ों से माता पिता से सलाह लेना आवश्यक है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके माता पिता ही आप लोगों को अच्छी राय देंगे और उसी के साथ साथ आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं वहां पर आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा। अगर आप अपने बड़ों से सलाह लेते हैं, बड़ों एक्सपर्टों से सलाह लेते हैं जो कि उस लाइन में हैं, उन्हीं से सलाह लीजिएगा, सबसे मत लीजिएगा। जो वो बिजनेस कर रहे हैं, वो जो करियर कर रहे हैं, उनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, उन्हीं चीजों के बारे में आपको भी इंटरेस्ट है और वही बिजनेस आप भी करना चाहते हैं तो वहां पर आप लोगों को सलाह लेने की अत्यधिक जरूरत होती है। और ये सलाह से अगर आप कोई काम करेंगे तो आप लोगों को लाभ अवश्य मिलेगा और आने वाले 7 दिनों में आप लोगों को कुछ बड़ा चमत्कार होने वाला है और आगे चलकर भी आप लोगों को लाभ मिलेंगे। आगे चलकर आपके जो ग्रह नक्षत्र है और सूर्य भगवान आपके जो स्वामी है, रक्षक है, वो भी आप लोगों को लाभ देने वाले हैं। इसीलिए किसी के इंतजार में मत बैठिए। और मित्रों, आपको अपने प्लान को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सोचते रहना है, दिमाग लगाते रहना है, क्योंकि रिसर्च करना तो आपके लिए जरूरी है और आप लोगों को सफलता भी मिलेगी, लेकिन सफलता आपकी लेट हो सकती है, आप लोगों के लिए देर में मिल सकती है, लेकिन मिलना अवश्य है, क्योंकि सूर्य भगवान आपके रक्षक हैं और आपके ग्रह नक्षत्र भी आपका साथ देने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को फ्री नहीं बैठना है, अपने बिजनेस के पीछे, अपने करियर के पीछे, अपने पढ़ाई के पीछे लगे रहना है। एक ना एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी और सफलता मिलनी भी चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसको सफलता एक ना एक दिन अवश्य मिलेगी, चाहे जितने आपके ग्रह नक्षत्र गड़बड़ हो, चाहे जितने लोग आपके पीछे आपकी टांग खींच रहे होंगे। अगर आप लगातार रेगुलर काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा, या फिर फेल होंगे या फिर पास होंगे। एक दिन फेल होंगे तो दोबारा पास होंगे, इसीलिए मेहनत करते रहिएगा। मेहनत ही आपको आगे लेवल तक ले जाएगी। किसी के सपोर्ट के इंतजार में मत बैठिएगा और ना ही मिलने वाला है आप लोगों को सपोर्ट, ये भी सोच कर रखिएगा, क्योंकि सपोर्ट आपका काम नहीं करेगा। आप जो बिजनेस में या फिर आप जिस लाइन में अपनी मेहनत दिखाएंगे उसी में सफलता आपको मिलेगी, किसी के सपोर्ट से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मित्रों, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय बजरंगबली लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।